तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। नमस्कार, हम पढ़ाने जा रहे हैं गणित शिक्षा शास्त्र, पहला पाठ है। प्रश्न क्वेश्चन पहला है, गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? ए बेकन, बी हागबीन, सी लाक या डी डटन। तो इसका सही उत्तर होगा हागबीन। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? ए सांस्कृतिक, बी सामाजिक, सी धार्मिक या डी मानसिक। उत्तर डी सही होगा, मानसिक। प्रश्न तीसरा है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है? ए उद्देश्यों का, बी प्रकृति का, सी कठिनाइयों स्तर का या डी कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ए उद्देश्यों का। चौथा प्रश्न है, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है? ए सांस्कृतिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी सामाजिक और आर्थिक और डी है आर्थिक। तो सही उत्तर होगा सी सामाजिक और आर्थिक। पांचवा प्रश्न है, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? ए योजना, बी मार्गदर्शन, सी शिक्षण और डी बजट बनाना। तो ऑप्शन डी सही होगा, बजट बनाना। प्रश्न छठा है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है? ए अप्रचित, बी प्रत्यक्ष अनुभव, सी प्रक्षेपित या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा, प्रत्यक्ष अनुभव। सातवां प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता या डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। आठवां प्रश्न, गणित सभी विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द किसने कहा? ए रोजर बेकन ने, बी हैमिल्टन ने, सी प्लेटो ने या डी बैनरेड रैशिल ने। तो ऑप्शन ए सही होगा, रोजर बेकन ने। नवा क्वेश्चन, गणित के अध्ययन से एक बच्चे के किस गुण का विकास होता है? ए आत्मविश्वास, बी तार्किक सोच, सी विश्लेषिक सोच या डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। दसवां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है? ए सांस्कृतिक, बी मानसिक, सी व्यवहारिक या डी आध्यात्मिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी व्यवहारिक। ग्यारहवां प्रश्न, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रयोग होता है? ए आगमन विधि, बी निगम विधि, सी संश्लेषण विधि या डी विश्लेषण विधि। तो ऑप्शन बी सही होगा, निगम विधि। सामान्य से जब विशिष्ट पूछेगा तो हम निगम विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब बारहवां प्रश्न है, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो ए संश्लेषण है, बी विश्लेषण है, सी आगम है और डी निगमन है। तो इसका सही उत्तर डी होगा, निगमन। तेरहवां प्रश्न है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए? ए मनोरंजक एवं खेल संबंधी, बी रटीन विधि, सी आगम का और डी निगम का। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए मनोरंजन या खेल संबंधी। चौदहवां प्रश्न, निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? ए लाभ हानि, बी साइकिल चलाना, सी सब्जियों खरीदना या डी उधार लेना। तो ऑप्शन बी सही होगा, साइकिल चलाना। अब पंद्रहवां प्रश्न, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विषय से शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे? ए लिखित कार्य, बी मौखिक कार्य, सी निदानात्मक तरीका या डी उपचारात्मक तरीका। तो ऑप्शन सी सही होगा, निदानात्मक तरीका। सोलहवां प्रश्न, छात्र गणित गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं? ए चर्चा या वाद विवाद द्वारा, बी मौखिक कार्य द्वारा, सी लिखित कार्य द्वारा या डी अभ्यास द्वारा। तो ऑप्शन डी सही होगा, अभ्यास द्वारा। सत्रहवां प्रश्न, आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? ए अवबोध, बी अभिवृत्ति, सी अभिरुचि या डी व्यक्तित्व। तो ऑप्शन सी सही होगा, अभिरुचि। अठारहवां प्रश्न, ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है और किस कारण से संबंधित है? ए व्यक्तित्व, बी ज्ञानोपयोग, सी कौशल और डी अवबोध। इसका सही उत्तर ए होगा, व्यक्तित्व।
19वां प्रश्न, सम विषम संख्याओं को बालक समरणबद्ध कर रहा है वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है? ए ज्ञानोपयोग, बी कौशल, सी अवबोध और डी व्यक्तित्व। तो इसका सही उत्तर होगा कौशल। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है 20वां, गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होगा? ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्वेद या डी यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर होगा बी ऋग्वेद। पहला प्रश्न है, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? ए रेखा गणित, बी अंकगणित, सी सांख्यिकी या डी बीजगणित। इसका सही उत्तर होगा सांख्यिकी। दूसरा प्रश्न है, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है? ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी प्रदर्शन विधि या डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा प्रदर्शन विधि। तीसरा प्रश्न, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। बी है शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, सी है पाठशाला से संबंधित विधि या डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। चौथा प्रश्न है, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र, ये होगा संबंधित प्रत्ययों में भिन्नता बताता है, बी गणितीय उदाहरणा की व्याख्या कर सकता है, सी समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है या डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। पांचवा प्रश्न है, शिक्षा प्रक्रिया का अंतिम सोपान है? ए मूल्यांकन, बी उद्देश्य, सी अधिगम या डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा मूल्यांकन। शिक्षा प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या होता है? मूल्यांकन होता है। ठीक। छठा प्रश्न है, पाठ योजना का भाग नहीं होते हैं? ए प्राप्त उद्देश्य, बी पाठ प्रस्तुति योजना, सी शिक्षा के उद्देश्य या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा के उद्देश्य। सातवां प्रश्न, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं? ए प्लेटो, बी आर्यभट्ट, सी न्यूटन और डी सी वी रमन। सही उत्तर होगा इसका प्लेटो। आठवां प्रश्न, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? ए प्रो आर्मस्ट्रांग ने, बी किलपैट्रिक, सी ड्यूवी और डी स्किनर। तो इसका उत्तर होगा प्रो आर्मस्ट्रांग। नवा प्रश्न, निगमन विधि का उपयोग है? ए मानसिक क्षमता का बढ़ाना, बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सी सूत्र की स्थापना करना और डी सूत्र का प्रयोग करना। तो इसका सही उत्तर होगा सूत्र का प्रयोग करना। दसवां प्रश्न, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है? ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी आगमन निगमन विधि और डी विश्लेषण विधि। तो इसका सही उत्तर होगा निगमन विधि। ग्यारहवा प्रश्न है, विशिष्ट से समान तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है? ए आगमन विधि, बी संश्लेषण विधि, सी विश्लेषण विधि और डी निगमन विधि। इसका सही उत्तर होगा आगमन विधि। बारहवां प्रश्न है, रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? ए आकार, बी विस्तार, सी स्थिति, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। तेरहवां प्रश्न है, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं? ए सक्रियता, बी सजीवता, सी उपयुक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा इसका सजीवता। चौदहवां प्रश्न है, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण अध्यापक है? ए शिक्षक को पाठ याद होता है, बी विषय वस्तु का विकास मुख्य वस्तु ढंग से किया जाता है, सी छात्रों के कमजोरियों की पता लगता है और डी है विषय का गुण अध्ययन कराया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा विषय वस्तु का विकास मुख्य वस्तु ढंग से किया जाता है। पंद्रहवां प्रश्न है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है? ए विज्ञान के साथ, बी नागरिक शास्त्र, सी भूगोल या डी समाजशास्त्र। इसका सही उत्तर होगा विज्ञान के साथ। सोलहवां प्रश्न है, गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं? ए वस्तुनिष्ठ, बी सार्वभौमिक, सी वस्तुनिष्ठ सार्वभौमिक, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक। सत्रहवां प्रश्न है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है? ए सांस्कृतिक उद्देश्य, बी शिक्षण उद्देश्य, सी सामाजिक उद्देश्य या डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा शिक्षण उद्देश्य। अठारहवां प्रश्न है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लू प्रिंट है? ए विद्यालय की आधारशिला, बी है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, सी है शिक्षक की आधारशिला या डी है छात्रों की आधारशिला। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। अब 19वां प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है? ए योजना विधि, बी निगमन विधि, सी अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे और डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है? ए विषय वस्तु का चयन, बी शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, सी शिक्षण विधियों का निर्धारण निर्माण और डी है उपयुक्त सभी।
इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सही। किसी विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शिक्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दोनों को दिनों को पढ़ाना है। ए आगमन विधि, बी खोज विधि, सी निगमन विधि, डी इकाई योजना विधि। इसका सही उत्तर होगा इकाई योजना विधि। दूसरा प्रश्न है, आगमन विधि का एक मुख्य दोष है, एक प्रमुख दोष है। ए ज्ञान अस्थायी होता है, बी ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, सी विषय नीरस हो जाता है, या डी आत्मनिर्भरता कम हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। तीसरा प्रश्न, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। ए यह एक वैज्ञानिक विधि है, बी यह एक रणनीतिक विधि है, सी विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है, और डी इसमें समय व शक्ति दोनों कम लगते हैं। इसका सही उत्तर होगा विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है। ए संश्लेषण विधि, बी विश्लेषण विधि, सी व्याख्यात्मक विधि, और डी खोज विधि। इसका उत्तर होगा विश्लेषण विधि। पांचवा प्रश्न, बालकों को कम से कम बताना चाहिए कि उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए सिद्धांत लागू होता है। ये निगमन विधि में, बी आगमन विधि में, सी प्रोजेक्ट विधि में, या डी ह्यूमरिस्टिक विधि में। तो उसका उत्तर होगा ह्यूमरिस्टिक विधि। प्रश्न छठा, निम्नकांतित में कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है। ए क्रियाशील, बी वास्तविकता, सी उपयोगिता, या डी मूल्यांकन। तो सही उत्तर होगा मूल्यांकन। सातवां प्रश्न है, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नकांतित कारणों से किया जाता है। ए प्रायोगिक कार्य हेतु, बी प्रस्तावना हेतु, सी उदाहरण एवं चित्रों हेतु, और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। आठवां प्रश्न, जिस विधि से पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं वह है। ए निगमन विधि, बी आगमन विधि, सी समस्या समाधान, या डी ह्यूमरिस्टिक विधि। तो इसका सही उत्तर होगा ह्यूमरिस्टिक विधि। नवा प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं। ए मूलभूत क्रियाओं से, बी है एक ही नियम से, सी है दशमलव भिन्न से, या डी है उपयुक्त सभी से। तो इसका उत्तर होगा मूलभूत क्रियाओं से। दसवां प्रश्न, रेखा गणितीय आकृतियों में शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्य होता है। ए ज्ञानात्मक, बी अवधात्मक, सी अनुप्रयोगात्मक, और डी कौशलात्मक। तो इसका सही उत्तर होगा डी कौशलात्मक। अब ग्यारहवां प्रश्न, वह विधि जो देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित है। ए प्रदर्शन विधि, बी प्रयोगशाला विधि, सी विश्लेषण विधि, और डी संश्लेषण विधि। इसका सही उत्तर होगा ये प्रदर्शन विधि। बारहवां प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों में श्रेय किसे जाता है। ए मसीहा, बी कृतवार, सी सिंपसन, या डी रोम। तो इसका सही उत्तर होगा सिंपसन। तेरहवां प्रश्न, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया। ए कृतवार, बी स्कीनर, सी सिंपसन, और डी रोम। इसका सही उत्तर होगा ब्लूम। चौदहवां प्रश्न है, ब्लूम करथवाल तथा मसीहा ने मिलकर किस शिक्षण उद्देश्य का सर्वाधिक कार्य किया है। ए ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी क्रियात्मक, या डी चरित्रात्मक। तो इसका उत्तर होगा भावात्मक। पंद्रहवां प्रश्न, पंद्रहवां प्रश्न है, टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ हो सकता है। ए वर्गीकरण, बी संगत व तर्कयुक्त, सी क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम, या डी क्रमिक विस्तार प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम। सोलहवां प्रश्न, सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है ज्ञानात्मक पक्ष में। ए ज्ञान, बी विश्लेषण, डी संश्लेषण, और डी मूल्यांकन। तो इसका सही होगा इसका मूल्यांकन। सत्रहवां प्रश्न, बालक में स्वाभिकीकरण की क्रिया किस पक्ष में जुड़ी हो सकती है। ए ज्ञानात्मक क्रिया से, बी संवेदनात्मक क्रिया से, सी क्रियात्मक से, और डी प्रत्यक्षीकरण से। तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्यक्षीकरण से। अठारहवां प्रश्न, ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए हैं। ए वातावरण के, बी व्यवहार परिवर्तन के, सी विषय वस्तु के, या डी बौद्ध पक्ष के। इसका उत्तर होगा व्यवहार परिवर्तन के। उन्नीसवां क्वेश्चन है, साधारणतः एक फिल्म स्क्रिप्ट में कितने फ्रेम होते हैं। ए 10 से 20, बी 30 से 40, सी 20 से 30, या डी 20 से 40। इसका उत्तर होगा 20 से 30। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण सामग्री क्या होनी चाहिए। ए कंपास, बी पैमाना, सी पेंसिल, डी उपयुक्त सभी।
इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। पहला प्रश्न है माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है, ए प्रायोगिक विधि, बी विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि, सी आगमन निगमन विधि या डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा आगमन निगमन विधि। दूसरा प्रश्न, हासिल का या हाथ का लगा सम प्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था, ए भास्कर, बी ब्रह्मगुप्त, सी आर्यभट्ट या डी श्रीधर। इसका सही उत्तर होगा श्रीधर। तीसरा प्रश्न, छात्रवृत्त तथा गोले में तुलना करता है वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, ए ज्ञान, बी अवबोध, सी कौशल या डी ज्ञान उपयोग। इसका सही उत्तर होगा अवबोध। चौथा प्रश्न, एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है वह किस विधि से प्रेरित है, ए प्रयोगशाला विधि, बी आगमन विधि, सी संश्लेषण विधि और डी निगमन विधि। इसका सही उत्तर होगा निगमन विधि। पांचवा प्रश्न है, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है, ए इकाई विधि, बी निगमन विधि, सी संश्लेषण विधि या डी आगमन विधि। इसका सही उत्तर होगा आगमन विधि। छठा प्रश्न, किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी, ए आगमन विधि, सी बी निगमन विधि, सी क्रिया विधि और डी प्रदर्शन विधि। इसका सही उत्तर होगा क्रिया विधि। सातवां प्रश्न, किसी वृत्त की परिधि व व्यास से संबंध स्थापित करना इसमें कौन सी विधि सहायक होगी, ए संश्लेषण विधि, बी प्रयोगात्मक विधि, सी आगमन विधि और डी प्रदर्शन विधि। इसका सही उत्तर होगा प्रयोगात्मक विधि। आठवां प्रश्न है, गणित विषय की पाठ्य वस्तु किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है, ए संश्लेषण, बी प्रयोगात्मक, सी आगमन और डी प्रदर्शन। तो इसका उत्तर होगा संश्लेषण। नवा प्रश्न, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया, ए एचिसन ने, बी रॉबर्ट ब्रूस ने, सी एलन ने या डी मोरिसन ने। इसका सही उत्तर होगा मोरिसन ने। दसवां प्रश्न है, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया, ए रॉबर्ट ब्रेल ने, सी फ्रेड ब्रेल ने, सी लुई ब्रेल ने या डी तीनों सही। इसका सही उत्तर होगा लुई ब्रेल ने। ग्यारहवां प्रश्न है, जेकब एल मोरिन का संबंध किस विधि से है, ए प्रश्नोत्तर विधि, बी सूक्ष्म शिक्षण विधि, सी समाज मिति विधि और डी है व्यक्ति अध्ययन विधि। इसका सही उत्तर होगा समाज मिति विधि, समाज मिति विधि होगा। ठीक, अब बारहवां प्रश्न देखिए, समस्या समाधान विधि का सोपान है, ए सूचनाओं का संग्रह, बी समस्या की प्रकृति निर्धारण, सी है निष्कर्ष निकालना और डी है आंकड़ों को संगठित करना। इसका सही उत्तर होगा निष्कर्ष निकालना। तेरहवां प्रश्न, गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, ए बालकों को लुभाने के लिए, बी बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए, सी है बालकों की रुचि जागृत करने के लिए या डी है बालकों के मनोरंजन के लिए। इसका सही उत्तर होगा बालकों की रुचि जागृत करने के लिए। चौदहवां प्रश्न, गणित विषय की विशेषता है, ए तर्कपूर्णता, बी परिणामों की निश्चितता, सी शुद्धता और डी सभी। इसका उत्तर सही होगा डी सभी। पंद्रहवां प्रश्न, चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है, ए गणित, बी समाज विज्ञान, सी भूगोल या डी भाषा। इसका सही उत्तर होगा गणित। सोलहवां प्रश्न है, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि, ए ये सबके विचारों का आदर करते हैं, बी ये तर्क पर आधारित हैं, सी ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं और डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ये तर्क पर आधारित है। सत्रहवां प्रश्न है, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है, ए बेकन द्वारा, बी सुल्टन द्वारा, सी कामेर द्वारा या डी ब्लूम द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ब्लूम द्वारा। अठारहवां प्रश्न है, ज्ञान संबंधी प्राप्त उद्देश्यों के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ए गणितीय प्रत्ययों का सही अनुप्रयोग, बी गणित चिन्ह ठीक ठीक पहचानना, सी है गणित के विकास की जानकारी के जानकारी में रुचि होना और डी है गणितीय सिद्धांत का सही समझ। तो इसका सही उत्तर होगा गणितीय सिद्धांतों की सही समझ। 19वां क्वेश्चन है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है, ए समझ, बी बुद्धि, सी प्रयोग या डी ज्ञान। तो इसका सही उत्तर होगा बुद्धि। लास्ट 19वां क्वेश्चन है, बीजगणित यथार्थ में है, अंक ए अंकगणित, बी रेखागणित, सी सामान्यकृत अंकगणित या डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा सामान्यकृत अंकगणित।
पहला क्वेश्चन है, रेखा गणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है, ए निगमन विधि, बी आगमन विधि, सी खोज विधि या डी व्याख्यान विधि। इसका सही उत्तर होगा आगमन विधि। दूसरा प्रश्न है, दस गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी, ए ब्रह्मगुप्त, बी वराहमिहिर, सी आर्यभट्ट या डी रामानुजन। इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट। तीसरा प्रश्न, ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए, ए विश्लेषण विधि, बी आगमन विधि, सी व्याख्यात्मक विधि और डी है निगमन विधि। इसका सही उत्तर है विश्लेषण विधि। चौथा प्रश्न है, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में निहित है, ए शैक्षिक उद्देश्य, बी प्राय उद्देश्य, सी है सामान्य उद्देश्य, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा प्राप्य उद्देश्य। पांचवा क्वेश्चन है, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं, ए दूरगामी, बी दूरगामी नहीं, सी पाठ योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते और डी है मानव व्यवहार में नहीं झलकते। इसका सही उत्तर होगा दूरगामी। छठा प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व हो है, ए सांस्कृतिक, बी मानसिक, सी व्यवहारिक और डी आध्यात्मिक। इसका सही उत्तर होगा व्यवहारिक। सातवां प्रश्न है, गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने का आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है, सिद्धांतों को समझने के बाद, ए है शुद्धता से हल करवाना, बी है निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करवाना, सी है लिखित और मौखिक अभ्यास करवाना और डी है शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना। इसका सही उत्तर होगा लिखित एवं मौखिक अभ्यास कराना। आठवां प्रश्न है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन है, ए डयूर का, बी बेकन, सी डटन और डी रमन। इसका सही उत्तर होगा डटन। नवा प्रश्न, कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी, ए वराहमिहिर, बी महावीरचार्य और डी सी है ब्रह्मगुप्त और डी है श्रीधराचार्य। इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मगुप्त। दसवां प्रश्न, राजस्थान के भीनमाल कस्बे में किस गणितज्ञ का संबंध है, ए है महावीर महावीराचार्य, सी है श्रीधराचार्य, सी है ब्रह्मगुप्त और डी है वराहमिहिर। इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मगुप्त। ग्यारहवां प्रश्न है, गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी, ए है महावीराचार्य, बी है श्रीधराचार्य, सी है भास्कराचार्य और डी है गणेशाचार्य। इसका सही उत्तर होगा महावीराचार्य। बारहवां प्रश्न है, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, वह जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है, ए है प्रदर्शन विधि, बी है प्रयोगात्मक विधि, सी है संश्लेषणात्मक विधि और डी है प्रयोजन विधि। तो इसका सही उत्तर होगा प्रयोगशाला विधि। तेरहवां प्रश्न है, किस खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है, ए है विश्लेषण विधि, बी है इकाई विधि, सी है क्रिया विधि, डी है संश्लेषण विधि। इसका सही उत्तर होगा क्रिया विधि। चौदहवां प्रश्न है, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है, ए है बोलना सिखाने में, बी है लिखना सिखाने में, सी है गिनती सिखाने में, डी है हस्तलेख सिखाने में। इसका सही उत्तर होगा गिनती सिखाने में। पंद्रहवां प्रश्न है, आवृत की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग में लाएंगे, ए है विश्लेषण विधि, बी है इकाई विधि, सी है क्रिया विधि, डी है निगमन विधि। इसका सही उत्तर होगा निगमन विधि। सोलहवां प्रश्न, पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है, ए व्यक्तिगत क्रियाओं विधि का गुण है, बी पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना, सी छात्रों की पाठ्य वस्तु का गहनता से विकास करना और डी है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सत्रहवां प्रश्न है, रेखा गणित का संबंध है, ए संख्याओं से, बी प्रसार व विस्तार से, सी अंकों से और डी है प्रतीक चिन्हों से। इसका सही उत्तर होगा प्रसार व विस्तार से। अठारहवां प्रश्न, गणित सभी विज्ञानों का सिद्धांत और कुंजी है, यह विचार किसका है, ए डटन, बी हागवेन, सी रोजर बेकन और डी है पी सैमुअल। इसका सही उत्तर होगा रोजर बेकन। उन्नीसवां क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, ए समूहन व सुसंगठित का, बी है उपयोगिता व जीवन से संबद्धता का, सी है क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का, डी है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध है, ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है, ए आगमन विधि, बी संश्लेषण विधि, सी निगमन विधि और डी प्रयोगशाला विधि। इसका सही उत्तर होगा प्रयोगशाला विधि।
इसी के साथ यह हमारा गणित शिक्षा शास्त्र खत्म होता है। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।